हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल शेयर मार्केट सोल्यूशन 24x7 में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी हम लोग जिस शेयर के बारे में बात करेंगे वो है बोरोसिल लिमिटेड का। और देखा जाए तो बोरोसिल रिन्यूअल में आपको काफ़ी अच्छा जो है एक कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। काफ़ी दिनों से देखे तो एक बढ़िया कंसोलिडेशन जो है देखा जाए तो ये जो लेवल है 529 का, वहाँ से अच्छा जो है एक लेवल देखने को मिल रहा है, वहाँ पे कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे हम लोग डिस्कस क्या करेंगे, देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे टेक्निकल चार्ट, उसके बाद देखेंगे मार्केट फोरकास्ट जो सोलर ग्लास बनाती है कंपनी, उसका आगे आने वाला समय में किस तरह का ग्रोथ रेट है वो जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि वो ग्रोथ रेट आपको दिखेगा तो भी आपका इसमें पैसा बनता हुआ एक चीज़ें बनती हुई दिखाई देंगी कि हाँ बढ़िया पैसा बनेगा, रेवेन्यू आने वाले समय में बढ़िया होगा, और आप एक भरोसा करके इसको जो है स्टॉक को रख पाएंगे। क्योंकि आपको पता है कि हमने जो है मार्केट रिसर्च की है और हमने देखी है मार्केट में क्या क्या रिसर्च चल रहा है और किस तरह का ग्रोथ प्रोस्पेक्ट दिखाया जा रहा है फ्यूचर में, वो सारी चीज़ें जो है काम आएंगी। और यहाँ पे फंडामेंटल भी देखेंगे बोरोसिल का, रिन्यूअल का। तो यहाँ पे चलिए स्टार्ट करते हैं पहले आपको टेक्निकल लेवल से। तो सबसे पहले देखें तो टेक्निकल लेवल में देखें तो 508, ये जो 580 का है ये कई बार इसने सपोर्ट लिया। और यहाँ पर देखें तो 26 मई पिछले साल, फिर मई में देखें पिछले साल, वहाँ से देखें तो काफ़ी नीचे चल रहा है। और यहाँ पर देखें तो ये लेवल जब टूट गया तो फिर यही रेजिस्टेंस बन गया यहाँ पे, फिर देखिए रेजिस्टेंस बन गया, एक बार के लिए ऊपर गया था और थोड़ा सा, और वो कहाँ गया था ये लेवल देखा जाए तो आपको 621 तक का देखा जाए। तो यहाँ पर देखें 621 में एक ब्रेकडाउन था, तो यहाँ पे आपको ये लेवल पे एक रेजिस्टेंस था, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया। उसके बाद देखा जाए तो नवंबर से लगातार शेयर में गिरावट आई और जगह जगह पे देखे तो बहुत सारे आपको सपोर्ट बनते हुए नहीं यहाँ दिखा, फिर देखिए 531 पे दिखा, फिर आपको 520 पे, फिर आपको देखा जाए तो 474 रुपये पे, फिर 474 रुपये पे दिखने को मिला, फिर आपको देखिए लगातार नीचे जाया जा रहा था और यहाँ पे 445 रुपये पे जो कि ऊपर निकल चुका है, और लास्ट देखा जाए तो 389 390 के आसपास 10 अप्रैल को रिसेंटली बनता हुआ नजर आया था। और यहाँ पे हमने डिस्कस भी किया था कि इसको खरीदा जाए, और अभी देखा जाए तो यहाँ पे 535 पे और 535 के आसपास ये क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस बना रहा है। और नीचे के लेवल पे देखें तो आपको 491, इसको यदि हम खींच दें तो आपको दिखेगा कि 491 यहाँ पे एक जो है एक रेजिस्टेंस लिया था, रिसेंट रेजिस्टेंस देखे तो वहीं पे आपका सपोर्ट ले रहा है। अब यहाँ पे बात करें तो और कौन से लेवल्स हैं, देखिए ये जो लेवल 546 का, इसको आप मार्क कर लीजिए, और 546 आ कहाँ रहा रहा, यहाँ से आ रहा है ये जो लेवल है। और फिर यहाँ पे देखें तो ये लेवल कहाँ से आ रहा है, यहाँ पे देखें तो ये लेवल जो आ रहा है जहाँ पे अभी सब ये ले रहा है, ये लेवल पिछले लेवल से आ रहा है, और देखिए यहीं पे आके ये रेजिस्टेंस ले रहा है जो कि यहाँ से आपको देखने को मिला। फिर एक लेवल देखें तो यहाँ पे 516 का, तो 516 देखिए यहाँ पे क्लोजिंग इसके नीचे है। और उसके बाद देखें तो आपको ये लेवल देखें तो 503 का, जो कि 503 देखें तो कॉन्सोलिडेशन था कहाँ पे, यहाँ पे कॉन्सोलिडेशन था। और इसके बाद देखें इस लेवल के नीचे 500 के नीचे गया है, तो फिर आपको एक बार यहाँ 500 नीचे गया है लेकिन यहाँ पे एक सपोर्ट, तो आपका सपोर्ट जो है अगला सपोर्ट यही होगा। तो आपको पता चल गया कि 500 का एक मजबूत सपोर्ट है, 500 के नीचे जाता है तो फिर आप निकलिएगा, या हो सकता है कि 500 फिर आप 474 तक के लेवल देखने को मिलेगा, वहाँ पे एक्युमुलेट कर लीजिएगा, या 460 के लेवल पे। ये तो हो गया कि नीचे जाता है तो ऊपर, देखिए नीचे जाने के चांसेस मुझे कम दिखाई देते हैं, ऊपर जाने के चांसेस आपको ज़्यादा दिखाई देते हैं। क्योंकि देखा जाए तो साल भर से ये शेयर यहीं पर टहल रहा है, यहाँ पे अभी अपॉर्चुनिटी, क्योंकि बार बार यहाँ पे आके ठोकर मार रहा है, तो एक बार अब नेक्स्ट टाइम यदि ऊपर जाता है तो फिर ये जो है सीधा 588 के लेवल को टच करेगा, उसके बाद सीधा 620 को, और उसके बाद 52 वीक हाई आपको लगभग लगभग 700 के लेवल्स आपको दिखाई दे सकते हैं। लेकिन आपको पेशेंस रखना होगा, जितना भी गिरावट आए वहाँ पे एक्यूमुलेट कीजिए, क्योंकि ये 100 रुपये के जोन में ये देखा जाए तो आपने एक्यूमुलेट कर लिया तो आप समझ लीजिए कि आप बहुत सारे शेयर खरीद पाएंगे और फ्यूचर में इससे पैसा बना पाएंगे। ऐसा क्या है तो यहाँ पे देखें तो इसका ग्रोथ रेट देखें इस सेक्टर में चल क्या रहा है। तो देखिए सोलर वोल्टिक फोटोवोल्टिक क्लास जो मार्केट है उसकी बात करें तो यहाँ पे 2027 का आपको सीएजीआर देखें तो 27.9% के सीएजीआर से मार्केट, जो कि बहुत ही ह्यूज है। सोलर पीवी ग्लास मार्केट इज प्रोजेक्टेड टू रीच US$21.1 बिलियन बाई 2017 विथ सीएजीआर 27.9 ड्यूरिंग द फोरकास्ट पीरियड। और यहाँ पे फोकस क्या है, इंप्रूवमेंट इन रिन्यूएबल एनर्जी में जो इंप्रूवमेंट हो रहा है। उसके बाद की प्लेयर देखा जाए मार्केट जाए के देखे जाए तो उसमें से एक है आपका बोरोसिल रिन्यूएबल, क्योंकि देखा जाए तो एक तरह से इसका मोनोपोली है, इंडिया में ओनली कंपनी है जो कि सोलर ग्लास बनाती है। और यहीं पर बात किया गवर्नमेंट का, जो कि आपका फ्यूचर फॉसिल फ्यूल है
उस पर डिपेंडेंसी हटा के रिन्यूएबल सेक्टर पे ध्यान दे रही है, चाहे वो बैटरी हो, ईवी सेक्टर हो, या रिन्यूएबल पावर जनरेशन हो, उस पर ध्यान दे रही है। तो ये सारी चीज़ें जो है, कैपेसिटी देखा जाए तो यहाँ पे इंडिया में बात करें 270% बढ़ाया गया है 2016 से लेकर 2021 तक। तो ह्यूज यहाँ पे इंस्टॉलेशन की गई है। और बात करें तो ग्रोथ ऑफ एशिया पैसिफिक मार्केट कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द लार्ज प्रेजेंस ऑफ सोलर पीवी मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर इन द रीजन। और यहीं पे बात करें तो ये सारी चीज़ों का आप ध्यान में रखें तो इसमें जो है अच्छा पैसा बनता हुआ दिखाई दे सकता है। और ये सारे लेवल सारी चीज़ें तो मैं नहीं पढ़ सकता, आपको शॉर्ट में ऊपर बताया। तो इस तरह के रिसर्च जो है उसको आप ध्यान में रखिए, उसको पढ़िए, तभी मैं इस तरह के पढ़ता हूँ। लेकिन वीडियो बनाने का मैं सोचा कि वीडियो में भी आप इंक्लूड करें ताकि आपको चीज़ें समझ में आए कि कहाँ से मैं अपने अंदर एक पेशेंस लाता हूँ कि हाँ इसमें मार्केट में बढ़ेगा तभी मैं बताता हूँ आपको। तो यहाँ पे ये चीज़ें आपको दिखा दिया, तो 27% का CAGR से बढ़ रहा है। और इसी फंडामेंटल देखें तो 6636 पे आपको देखने को मिल रहा है। स्टॉक का भी 53 का है जबकि इंडस्ट्री 31 पे है, थोड़ा प्रीमियम पे अवेलेबल है। ROC देखें काफ़ी बढ़िया 27 का, ROE देखें 23 का काफ़ी अच्छा है। EPS देखें थोड़ा कम है लेकिन ठीक ठाक है, 9.45 का है। यहाँ पे बात करें ROE ग्रोथ का, वो काफ़ी ज़बरदस्त है, 12 पॉइंट के मुकाबले आपको 17.1% दिखाई देता है। यहीं पे बात कर ले क्वार्टरली रिजल्ट जब दिसंबर तक का, तो आपको लगातार इसमें जो है देखा जाए तो थोड़ी कमी होती हुई दिखाई दे, 79 70, फिर देखिए 69 61, सेल्स जो है डाउन होता हुआ दिखा, ऊपर से मार्जिन भी आपको डाउन होता हुआ दिखा। और यहीं पर बात करें नेट प्रॉफिट का तो ये भी आपको कम होता हुआ दिखा है। लेकिन यहाँ पर कुल मिला के देखा जाए अभी भी सारी चीज़ें पॉजिटिव आपकी बनी हुई है, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। जिस दिन ये मार्च वाला क्वार्टर है आपको थोड़ा देखिएगा, या आने वाले समय में 1 2 सालों में आपको बहुत बढ़िया रिटर्न इसमें देखने को मिल जाएगा। और यही बात के 2011 से अब तक का, तो देखिए यहाँ पे 6 गुना हो चुका है सेल्स। ऑपरेटिंग मार्जिन देखिए कभी -2% होता तब भी यहाँ पर देखा जाए 27% का, अभी भी बहुत अच्छा है। और यहीं पर बात करें EPS 40 का होता था, वो घट के अभी के देखा जाए तो जिसमें अदर इनकम आपको यहाँ इंक्लूडेड है, इसको हमें नहीं जोड़ता, यहाँ पे देखें 262 का, 2 रुपये 62 पैसे का आज का डेट में देखा जाए तो आपको 9 रुपये के आसपास दिखाई देता है। 2017 में सबसे हाई था 13 रुपये 77 पैसे का। लेकिन ये चीज़ें मुझे लगता है आने वाले समय में सुधरेंगी। लेकिन इसे CAGR देखा जाए 10 सालों में 60% के CAGR से रिटर्न दिया है, तो यूं ही नहीं दिया है, इसमें कुछ ना कुछ बात है। और 1 ईयर में देखा तो -19 चल रहा है, तो अपॉर्चुनिटी है नीचे के लेवल पे यहाँ पे एक्युमुलेट करने की, बाई करने की। और यहाँ पे देखें रिटर्न इक्विटी लगातार बढ़ता हुआ नजर आया है, 10 ईयर्स में देखें 8%, 5 ईयर्स में 12%, 3 ईयर्स में 17%, और लास्ट ईयर में देखें 24%, यानी ग्रोथ अभी दिखना शुरू हुआ है। तो यहाँ पे ग्रोथ दिख रहा है तो यहाँ इसका मतलब है कि आपको आने वाले समय में और भी ग्रोथ दिखेगा। बात करें बोरोसिल का तो अपना कैपेसिटी जो है ये 5 टाइम करने जा रहे हैं, तो करीब करीब बढ़िया 2025 के बाद इसमें बहुत तेज जो है आपको ग्रोथ रेट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे FIs की देखें तो इन्होंने बढ़ाया है अपना, और यहाँ पे FIs का बढ़ाने का मतलब है कहीं ना कहीं जो है शेयर में दम है, तभी FIs ने बढ़ाया और आने वाले समय में अच्छा पैसा बन सकता है। तो यहाँ पे कुल मिला के ये है कि जो CAGR ये ग्रोथ रेट मैंने बताया उसको आप ध्यान में रखिएगा, उसको समझने की कोशिश कीजिएगा, और ना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा यहाँ से, तो आपको वो चीज़ें पढ़ के फिर आप जो है अच्छे से उसको देख पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि मुझे बताना था। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे बताइएगा, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी इन्वेस्टमेंट करने के पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या अपना रिसर्च जरूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।